वैसे ही गफलत की नींद सोते हैं, हमें नींद की वो फिलॉसफी नहीं पता कि ये नींद कैसे है, इसमें क्या क्या बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इनोवेशन। कोरोना वैक्सीन का जितना ड्रामा उठा रहा था खोल के बता देते हैं क्या मसला है। ये जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है यार, अल्लाह इसको क्लियर कर मेरे ऊपर। जब आप डिप्लोमेटिक टोन में अपने ब्रेन को अपनी बॉडी को थिंक विद द होल बॉडी, नॉलेज क्या होगा आपके ऊपर खुल जाएगा, नॉलेज खुलेगा, विजडम बोल चिल्लाएंगे मारेगा। तो प्यूरिफिकेशन आप हार्ट में होनी ही होनी है, जब दो चीजें जोर में होंगी तो तीसरे को तो धक्का लग ही जाएगा ना। हमारे पास क्या होता है, हम एक ही चीज में खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। अलीफ 10 20 30 नेकियां होगी हैं जी, और नेकी किसी को नजर भी आती है तो बताओ किसी या नेकी किधर है। मैं डॉक्टर इसरार है मुझसे अल्लाह की कृपा, जब वो कहजाम रहते हैं करीब में मुझसे पूछा, मैंने कहा ये किस तरीके की नेकी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं नेकी। तो मैंने कहा ये आखिरत की क्रेडिट्स हैं, उधर आप इसके बाद होगा। मैंने कहा वहाँ तो बात ठीक है, इधर भी कुछ होना चाहिए ना, यहाँ पे भी कुछ होना, क्योंकि सीइंग आई बिलीव सॉरी जो जाते हैं सर टीम रैंक के दौरान एक पनिशमेंट का मोबाइल के रहा है किसी को देखा हो उसके किसका मोबाइल पनिशमेंट ने एक दूसरे सेशन की उनका मोबाइल के देखा हो कि
जूते और बीवी, ये इंसान की पर्सनालिटी बता रहे उसकी बीवी और उसके जूते। जो बंदा अपनी बीवी की केयर नहीं कर सकता ना, तो दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकता। क्योंकि जूते का डिसिप्लिन जो है अल्लाह ने वक्त के पैगंबर मूसा अलैहि सलाम को सूरह तहा में सिखाया कि आप अपनी नालायक शरीर यहाँ पे उतार दें, क्योंकि अब वादिये तो काम करते वादी में दाखिल हो गए हैं, अब आपके कान मुझे समात नहीं करेंगे, आपकी बॉडी का रो रो करेगा। आज आप देखिए बताया हुआ है कि पांव के नीचे जिनके कौन कौन से स्विचेस हैं, हार्ट के, किडनी के, लिवर के, ये सारे नीचे। तो आप जब अल्लाह के यहाँ खड़े होते हैं ना जूते उतार के नमाज में, तो आपकी बॉडी का रो रो अल्लाह के साथ हम कलाम होगा, तब नमाज मोमिन की मेराज। ठीक है ना? तो ड्रेस प्रॉपर्ली ये सब पता है, इंटरेक्ट आपस में इंटरेक्ट के जब करें तो ये एक्सक्यूज में हमने उनसे सीख लिया था, तो मेहरबानी कर दीजिए मेरे पास हमने ये कुछ पोलाइट इंटरेक्शन जब भी हो ना, आप बोल ये नहीं बोल ऐसे लोग ही करते, ये इल्म है ऐसा। हमने वो चीजें डॉक्टर करनी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, जो उनको पसंद था वो हमने अपने लिए पसंद करना है, जो उनको ना पसंद है उसको निकालना है। आप थिंक नहीं सॉरी इंटरनेट एक्ट फियरलेस, मैंने आपको फियर किया, अब जो भी काम करना है उसको सेफ। वो कहते हैं ना जज्बा जुनून हिम्मत का, वो ये है कि फियर नहीं करें, डरो उससे जिससे डरने का हुक्म है। लोगों से क्यों डरो? फियर के अंदर पावर है, डर में नहीं है। आपके घर में चोर आएगा आप उसको गोली मार के डंडा मारे करेंगे, डर नहीं कर सकेंगे, कोई सांप आया उसको आपने मारी नहीं। आप फियर में क्या करता है बंदा पावर यूज कर लेता है पर डर नहीं कर सकता। तो जो लोग खौफ में रहते हैं अल्लाह को खौफ में याद करते हैं, मोहब्बत में नहीं करते, अल्लाह फिर कहेंगे उधर भी गिर देगा। मोहब्बत में याद करें, एक्ट करें, मैं आता हूं इस काम के लिए करूं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि एक्ट आपने करना है। अच्छा वर्क पेशेंटली सबर, ये वो मॉड्यूल है जो वक्त के पैगंबर को अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम के पास दिया। सबसे अजीम सबर कौन सा है जो गम की पहली सीढ़ी पे किया जाए, और सबर है क्या? सबर किसको कहते हैं? पहली वॉलंटियर जी बैठ के बोलते सर, एग्जांपल से एक बता दूंगा। वो ऐसी सबर किसे कहते हैं सर? नहीं सबर ये सर के सर, लेट्स सपोज हमारे पास एक गोली है बहुत कड़वी है, अगर हमने उसको खाना है तो उस गोली के तसरात हमारे चेहरे पर आएंगे, उस कड़वी गोली के हम बड़ी मुश्किल से खाएंगे। अगर उसी गोली को हम हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते खा लें, अपने आसार जाहिर न करें, तो ये सबर है। ठीक है, किसी हद में आप जिस तरह से सबर इल्म के साथ है, नॉलेज के साथ है। सूरह काफ में देखें सबर किसके साथ है, आप महसूस नहीं कीजिएगा। नहीं सर सबर भी ठीक है, पर जो सबर कुरान से जो सही उसकी डेफिनेशन है उसको सबर। सबर इल्म के साथ है। मूसा अलैहि सलाम को खिज़र अलैहि सलाम क्या कहते हैं कुरान में सूरह काफ के अंदर, कि आप मेरे साथ सबर भी नहीं कर सकेंगे, क्यों? कि आपके पास इल्म नहीं है। तो सबर किसके साथ है? सबर इल्म के साथ है। और सबसे अजीम सबर क्या है? गम की पहली सीढ़ी पे। वो सबर जो है ये आपको फर्श से अर्श पे लेके जाता है, वो स्लिम लाइन होती है। जब आपको गम लगता है अल्लाह आपके करीब आ जाते हैं, जब आपको गम लगता है अल्लाह आपके करीब आ जाते हैं, वो टाइम होता है अल्लाह के साथ दोस्ती करने का, अल्लाह का आराम लेने का। तो आप फर्श से अर्श पे पहुंचने के लिए आपको कौन सा टूल चाहिए? सबर। ठीक है ना? आप देखिए अल्फाज जो होते हैं ना इनके अंदर बड़े मैटर्स होते हैं। अब शुक्र, शुक्र के बारे में
ईमान क्या है? तो बताएगा
ईमान कौन और फेल है, ईमान कौन और फेल, खेल और अमल, ईमान कौन और फेल है। और अमाल पे एक बहुत बड़ी हदीस है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। अब नियत को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, उल्टा करके लिखिए तो क्या लिखनी होगा, तीन नून ये ते ले ये नून तीन। जो आपकी नियत है, जो आप सोच रहे हैं वही, उसी तरह आप बोल रहे हैं वही आपका अमल है। नियत, कौल और फेल, जब ये तीनों चीजें जब क्या होती है तो क्या बनता है, ईमान। नियत को रिवर्स किया, तीन तीन से तीन चीजें घटी की जो आपका सोच है, ईएस प्लस आई इज इक्वल टू माइंड वाला हमने जो काम किया है उसमें आप देखें तो उसके साथ अच्छी तरह लर्न प्रैक्टिकली कोई आपको कहा भी देखो क्या प्लान ऑर्डरली जो भी चीज से ना उसकी प्लानिंग ऑर्डरली प्रायोरिटी सेट करें। अब रात को आप सोते हैं प्रायोरिटी सेट सेट की सेट सोते हैं कि सुबह उठूंगा ऐसे ऐसे ये चीजें करेंगे, दिस आर द प्रायोरिटी सेट इन प्रायोरिटी ये मसला होता है ना, प्रायोरिटी सेट है आपके और कि आप अपनी कदर की बात को नहीं करने आते जाने तो वो सब को होते तो आप वो कर लो तो हर चीज को प्लान इस सारी का ना जो है प्लानिंग से तो ऑडिट देखा हमने, देखिए ऑडिट देखा एजुकेशन डेवलपमेंट का, नॉलेज विजडम प्यूरिफिकेशन, वही फिर ऑडिट रिवर्स हो गया। प्रैक्टिकल में देखिए कि ऑडिट रिवर्स हो गया, तो जब आप ऑर्डर में चीजें करते हैं ना तो वो पे अच्छी होती है। अल्लाह ने हमें ऑर्डरली सारा कुछ इस दुनिया में मिला है, लेकिन वो ऑर्डर से ज्यादा इतना टाइम वेस्ट नहीं करते यहां से ठीक है, टाइम ऑन इज ध्यान रखते लेकिन ये रिस्क जितना भी है ना आप हलाल तरीके से कमाई या हराम से मिल रहा हो। अब ये इन लोगों को देख रही हूँ बड़े बड़े कहते हैं करप्शन ये हो सकता है, ये रिस्क उतना ही खाएंगे जितना कैंसिल बच्चे दोस्त ईमान से ये सारी चीजें रिस्क में आते हैं, हर वो चीज जो इंसानियत को बेनिफिट दे उसको क्या कहते हैं रिस्क, उनका रिस्क है ये सब ठीक। अच्छा जी, स्पेंड इंटेलिजेंट, खर्च में न्याना रवि, खर्च में न्याना रवि, निस्त मईशत है ये इंटेलिजेंटली। वो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को हो सकते हैं जो हजरत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते, सब कुछ ले आते, वो सिर्फ वो ही हो सकते हैं। आगे पर्सनालिटी की वजह से बात, आप इतना ना खर्च करो इतना ना चीजें करो क्या गरीब हो, और सदका कैसे मौत को टालता है हमने सुना ना, सदका मौत को टालता है। बड़ी एक और बात समझिए, मेरा रिस्क 1 लाख रुपया है, जिंदगी जो है वो वक्त पे नहीं है रिस्क पे है, तो मेरा रिस्क 1 लाख रुपया है तो मैं 1 लाख रुपया आज ही कमा के खा के क्यों मरना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ उस 1 लाख रुपये में से 10,000 रुपया सदका कर देता हूँ 10 बैंक में, जब तक 1 लाख रुपया पूरा नहीं होगा मैं नहीं मरूंगा ठीक है ना। घर में जब आप जो वक्त अपने मेहमानों के साथ स्पेंड करते हैं ना, अल्लाह वो वक्त आपकी जिंदगी में निकाल देते हैं और जिंदगी में बरकत डाल देते हैं कि उन्होंने आपके रिस्क में से खा लिया। मेहमान आता है रहमते लेके आता है, जाते हुए बुलाया लेके चला जाता है, ये सब कैसे होते समझ के ना कौन से कि वैसे नहीं है ये किसी इधर उधर उसकी सारी उसकी हिकमत नहीं समझे ना ठीक है। सैक्रिफाइस रेगुलेटेड और कि किसी की मदद करनी है रेगुलर बेसिस पे कर रही है, ये मदद है उसको हमने दे दी है वो नहीं है उसकी जरूरत है। आप उसको मछली ना खिलाओ, उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ। आज हमने मछली पकड़ने का तरीका सीखा है कि प्रोसेस हमने देखा कि ये फिशिंग का प्रोसेस क्या है, दो है ग्रीन एंड राइट सोर्स आगे वो सारी चीजें जा रही ठीक है जी। वॉशिंग नमाज
इंसान अपना पर्पस ऑफ लाइफ भूल गया परफेक्टनेस अब आप वजू करते वजू की फिलॉसफी क्या है अपने आप को रिफ्रेश करना ठीक है एबीसी वेट अब आप देखेंगे वो तोहफा है जो आइए वो टूल है अल्लाह ने जो मेराज पे नबी की सलाह पे नसीब किया मेराज पे के क्या मिला बस माल भी मिल गया कि इतनी की जूस है बस नमाज भी बाकी कुछ नहीं दिया ऐसे ही और भी कुछ नहीं दिया सारी कायनातों की रहमतें नेमतें ब्लेसिंग इल्म सब कुछ अपने हबीब को दे दिया कि मेरा हबीब जो है वो सारी सबसे मुमताज हो जाए सबसे अफजल वाला हो जाए कि ना तो मैं हूं सर अफजल वाला मेराज पे सब कुछ दे दिया और टूल क्या दिया नमाज का इस वजह से कि आपने मेराज कर ली है तो आपकी उम्मत कैसे मेराज करेगी उसके लिए ये टूल है कि आपने जब इधर हाथ रखे ना तो आपने अल्लाह को बताया अल्लाह लुक एट माय हैंड्स ये एम्प्टी है मैंने दुनिया से हाथ उठा लिया अल्लाह इसके ऊपर ना किसी का हक है ना कुछ है ना किसी का खून है कुछ भी नहीं My hands are empty. मैंने दुनिया से आपकी मोहब्बत में हाथ उठा दिए. Now I'm taking a solo flight towards the Miraj. आप नीचे क्या भी नमाज पढ़ लेते हैं? इधर वेस्ट करते हैं. So taking a solo flight towards Miraj. आप Miraj के लिए और पहले start ही क्या लेते हैं? Allah wa Akbar. बस अल्लाह तू ही बड़ा दुनिया की कोई ताकत गम चीज कुछ भी नहीं बड़ी बस अल्लाह बड़ा अब अल्लाह बड़ा है कह दिया इसका अर्थ किससे लिया अल्लाह से सुभान अल्लाह प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट से कि अल्लाह यू आर परफेक्ट ना सुभान अल्लाह अल्लाह आप पाक है ना मैं तो नहीं हूं स्टार्ट भी नमाज का सुभान अल्लाह से और एंड भी सुभान रब्बी अलआला से शुरू में भी प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट पाक साफ की बात कर रही और एंड पे भी क्या कर रही कंप्लीशन पे भी क्या कर रही प्यूरिफिकेशन आप अल्लाह को कहते हैं सुभान अल्लाह अल्लाह आप पाक है ना आप परफेक्ट है ना मैं तो नहीं हूं अब मुझे भी अल्लाह पाक करो कि मैं आपकी हमद कर सकूं आपकी तारीफ कर सकूं सुभान अल्लाह मुवादे हमद अल्लाह अल्लाह मुझे आप पाक करें आप पाक हैं ना मुझे पाक करें ताकि मैं आपकी हम कर सकूं बता दोबारा इस्मों का अल्लाह आपका नाम बरकत वाला है ना बता आला जेको का अल्लाह आपकी जात ऊंची है ना वो शायद कहते हैं ना तुसी ऊंचे तुसारी जात ऊंची तुसी ऊंचे दे रहने वाले असी कसूरी ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਸੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਾਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵਾਲੀ ਲਾ ਇਲਾ ਸਾਰੇ ਕੁਦਾਮ ਨੂੰ ਹਮਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਲਾ ਆਪ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਕਹ ਬੰਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤੋਂ ਕਾ ਦਿਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਵਿੱਚ ਮੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਅਬ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਰਸਟ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤਬ ਸੇ पहली आयत क्या है सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को आपको पता है सर अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर ये जो आयत है ना इस आयत के अंदर अल्लाह ने यूनिवर्सल फार्मूला रखा है कि कोई चीज भी दुनिया की अगर आपने सीखनी है उसका फार्मूला किधर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मोबाइल पर्स घर जो भी कायनातों के अंदर सूरज चांद ग्रह व्हाटएवर जो भी चीजें आपने सीखी है उसका फॉर्मूला किसमें है सीखी ना अलिफ लाम के ग्रामेटिकली मीनिंग आप सीधे होकर बैठ जाए आपके इसमें गलत में दर्द होने की प्लीज आगे लाइए तो अलिफ लाम के ग्रामेटिकली मीनिंग है उसमें हम नहीं जाएंगे हम भी क्या है एडजेक्टिव है सिर्फ और अल्लाह क्या है नाउन है इसम है अल्लाह हम्द होना चाहिए था ना इसम को
देखेंगे तो आपके अंदर वो चीज पूरी की पूरी उतरेगी। जब आप उसको अपनी नजर से देखते हैं तो आपको चीज समझ नहीं आती। एग्री? अब मोबाइल है एप्पल वाला स्टीव जॉब की नजर से देखेंगे क्या है? हम अपनी नजर से देखते हैं तो बस उसकी ड्यूटी को फेसबुक पर ये तो रोज सारे करते हैं उसको प्रोड्यूस नहीं है। तो आपने कोई चीज भी सीखनी है इसमें यूनिवर्सल फार्मूला है कि हमेशा खालिक की नजर से क्रिएटर की नजर से उस चीज को देखें। जिसने किताब लिखी है उसकी नजर से देखें कि क्या उसकी नजर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अप्रोच से आप देखेंगे सब्जेक्ट आपके अंदर उतरेगा। पॉजिटिव क्या है? प्यूरिफिकेशन ये है प्रैक्टिकल अंदर। तब मैं कह रहा था प्यूरिफिकेशन हार्ट से इल्म आता है। तो पॉजिटिव नजर क्या है? जब अंदर पाक है सारा सुभान अल्लाह से स्टार्ट किया है अंदर पाक हो गया फिर हम तारीफ के काबिल हुए तो यूनिवर्सल फार्मूला हमारे अंदर आ गया। जो इल्म हमारे अंदर पड़े उसको अनलॉक करने के लिए कि वो रब्बुल आलमीन जो सारे आलम का रब है सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन सारे आलम रब्बुल आलमीन की ताकतों को समझें कि रब्बुल आलमीन की ताकतें कैसी हैं। रहमान और रहीम वाले क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए चार चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्सेस, हमारी गड़बड़, हमारी महरूमियां, हमारी शॉर्टकमिंग्स, दीज आर द एसेट्स। कैसे ये एसेट्स हैं कि ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि इस गड़बड़ से, इस परेशानी से, इस बीमारी से, इस तकलीफ से हम कैसे आउट होते हैं। जब भी किसी से कोई बात करा तो पॉजिटिव भाव में ना बताओ ये चीज ऐसी हो कि जब तक वो इससे आउट ग्रो और इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में दुनिया गुरबत से परेशानी से इस चीज से आउट ग्रो करने के लिए आपको एक टूल चाहिए। अब मैं बाजार गया लड़की का कपड़ा लाया अपने जिस्म के साथ लपेट दिया तो क्या है कपड़ा वही कपड़ा मैंने एक दर्जी को जो उसने बेहतरीन सूट बना दिया एक टूल इस्तेमाल किया इसको बनाने। अब इस सारे कॉम्प्लेक्सेस इन महरूमियों इस गुरबत से इन परेशानियों से ये जो महंगाई का वो रोना होती है ये सारी चीज महंगाई पे आप मुझे पूछिएगा मैं आपकी बड़ी जबरदस्त बात कहूंगा कि महंगाई पे नोट कर लीजिए। अच्छा इनसे आउट ग्रो करने के लिए एक टूल चाहिए वो टूल क्या है? नॉलेज। ठीक है अब सारी कायनातों का नॉलेज किधर पड़े उसने आपको यूनिवर्सल फार्मूला दिया क्योंकि वो सारे आलम का रब है उसको पता है उसने पाला है सारा कुछ सारी चीजों को तरतीब दी उसने फार्मूला आपको बता दिया कि खालिक की नजर से चीजों को देखो कि समझ में आएगी वो कैसा रहमान वो कैसा रब्बुल आलमीन है वो रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम का मैंने आपको बता दिया कि सारी कायनातों के प्रिंसिपल जो है वो रहमान और रहीम है। ठीक है ना और मालिक यौमिद्दीन के डे ऑफ जजमेंट का मालिक। अब इन तीन आयात के अंदर अंडरस्टैंडिंग में कितने जमाने गुजरे हैं? तीन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है ना जब आपको किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग आती है ना आप क्यों पिछलों का हवाला दे रहे तो नॉलेज तो आपके पास आया अंडरस्टैंडिंग ने आपको तीनों जमानों में फेरा और आपको समझ में आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन कमिटमेंट।
कमिटमेंट क्या है? ईया का नाम को ईया क्रिस्ट है कि अल्लाह को आप रब्बुल आलमीन हो, नॉलेज सारा आपके पास है, आप रब्बुल आलमीन हो, और कैसे रब्बुल आलमीन हो, रहमान हो, रहीम हो, मालिक है यौम दीन हो, तो हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये कमिटमेंट है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग प्लस कमिटमेंट, तीन चीजें होगी। अब इसके साथ चौथी चीज जब लगेगी तो पूरे आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ना उसके बाद फिर भी स्टार्ट हो जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या है? इसके बाद नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, देन पाथ। आप उसको पाथ दिखाएंगे, वो पाथ क्या है? एक दिन सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के पूरे का पूरा कुरान, यासीन वल कुरान हकीम, इन्ना तआला मिनल मुरसलीन, अला सिरात मुस्तकीम, वाबुदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, मेरी इबादत करो यही सिरात मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम क्या है? पूरे का पूरा कुरान, वो रास्ता जिस पे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। तो कितनी चीजें हुई? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, में बात, चार चीजें पैदा कर रहे हैं कि आपकी कैरेक्टर भी बन गया, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी डेली सब कुछ ले गया। अब आपने क्या कहा? सिरात अल्लज़ीना अनअमता, अब छोटी सी सात वर्सेस की आयत है, तो सिरात का वर्ड दो दफा आ रहा है। अब अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता, तरक्की याफ्ता माशरा कौन सा है? सूरह नसा की आयत 69 नोट कर ले, सूरह नसा आयत 69, उसमें अल्लाह ने इनाम याफ्ता माशरे की पावर्स बताई है कि उसके क्या अंदर ताकत क्या है। इनाम याफ्ता माशरे के अंदर दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक इल्मी और एक अमली, इल्म और अमल दोनों उसमें नजर आएगा जो इनाम याफ्ता माशरे। अल्लाह अगर वो इनाम याफ्ता माशरा बन गया तो हमें उसमें शामिल कर दे, अगर नहीं बना तो हमें बनाने की, ठीक है, उन जैसे नहीं करना। आमीन का मतलब है अल्लाह वो माशरा बन गए इनाम याफ्ता वाला, तो मुझे उसमें शामिल कर दे, नहीं बना सुबह बनाई तौफीक अता। कुरान की तालीम जब लिखी गई तो कुरान ये कहता है कि जिस माशरे के अंदर चार चीजें थी, जिस इंसान के अंदर चार चीजें थी, वो कभी जुआल किसी भी नहीं होगा। सूरह असर के अंदर ईमान, उस ईमान के मुताबिक आपका अमल सारे हक, हक के वर्ड को देखिए बैलेंस है, डॉट की प्रो है, करेक्टिव है, हक इस सारी कायनात हक पे है, वो अल्लाह की बात में जिसे पर आते हैं कुरान से पर, और सब चार जिस ईमान अमल सारे हक जमाने की कसम, तो
हमें मिराज में अल्लाह कभी मिली, अल्लाह ने हमसे कभी बात की है? चिट्ठियां पढ़ के सुना के आ जाती उसको, कहानियां सीधी डालते उसके आगे। तो आज के बाद आपने जब नियत करनी है तो आपने कहना है, अल्लाह आपने मिराज पे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया ना, वो मुझे भी इस नमाज में अता करें। मैं सोलो फ्लाइट ले रहा हूँ टूवर्ड्स मिराज। लुक एट द फीलिंग्स, आप फीलिंग्स डाले ना। आप ये ड्रामे देखते हैं, देखिए किरदार कौन सा है, तो जो फीलिंग्स डालते हैं अंदर, नेगेटिव डाले या पॉजिटिव डाले, आपका भी बड़ा जबरदस्त फीलिंग्स डाले ना। हम चिट्ठियां पढ़ के सुनाते हैं उसको, खुशियत ही नहीं आती। इतने बड़े रब के पास खड़े हैं, उसकी मोहब्बत में रोती नहीं है। इधर कोई और किसी से मोहब्बत में सारा दिन उसकी माँ वो नहीं देख रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं लाया, वो नहीं किया, जो सब कुछ है तो उसके साथ कोई मोहब्बत नहीं, नाराज नहीं लगा। सर सर पेरेंट्स हैप्पी, वालिदैन की बहुत बाप जन्नत का दरवाजा है। ये गाड़ियों के पीछे देखा होता है, माँ मेरी, ये मेरी माँ की दुआ, वो अभी तक गामी नहीं है। वो कहते हैं उसकी शादी ना होने का बायस उसका अब्बा था, ऐसा अब्बा उसने कहाँ से लगा था। उसकी शादी ना होने का बायस उसकी अम्मी थी, ऐसी अम्मी फिर क्योंकि जमी। तो बाप जन्नत का दरवाजा है, क्योंकि माँ के पांव के नीचे आपके अंदर इतनी पावर्स पड़ी हुई है, आप एजुकेशन ऑफ हार्ट कर देंगे, ठीक है, तस्किया नफ्स कर देंगे, इल्म आपका अंदर से अनलॉक हो जाएगा, खुल के आ जाएगा, दूसरे भी खुल जाएगा, फिर कायनात के फैसले आपके अंदर हो जाएंगे, जैसे मौलाना रूमी ने किया, फरीद और फरीद ने किया। फिर पर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो शाह शम्स तबरेज को आप देख सकते हैं और मंसूर अलहाज को देख सकते हैं। ये बड़े टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे जी हम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सेंस, अंडरस्टैंड, पहले क्या करना है, सेंस अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली अप्लाई द पावर। अब आपको मिलता है कि सारे पावर्स आपके अंदर पड़े हैं, एजुकेशन ऑफ हार्ट भी होगी, नॉलेज भी आ गया, विजडम भी आ गया। अब आप उस पावर एंड विजडम ऑफ इमोशंस को आपने सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी करना है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, उसको आप इन सारी चीजों को जोड़ के देखो। जो तीन चीजें आपने सीखी है, प्योरिफिकेशन ऑफ पावर, नॉलेज, विजडम, ये सारे डेफिनेशन है, उन तीनों को कंबाइन करना है, ठीक है। फिर देखिए आप कायनात के फैसले करते हैं, आज से ही अभी से ऐड कर रहे हैं, इस तरह से आप करके देखें, आपकी जिंदगी बसत बदल जाएंगी। आप ऐसे काम कर देंगे कि देखें, अचीविंग एक्सीलेंस टू द इमोशनल इंटेलिजेंस, दुनिया को फतह करने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस एलिवेटर डिसेप्ट। अब देखिए जितना भी हमने किया पढ़ा है, जितना डिस्कस किया है, उसका नेट शेल क्या आया है कि आपने दुनिया को कॉन्कर करना है, फतह करना है, पहले सबसे पहले अपने आप को फतह करना है। जब दुनिया को फतह करोगे, इमोशन अपने आप को फतह करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, नॉलेज और विजडम के साथ, फिर आप देखेंगे क्या अनलॉक होता है, फिर अल्लाह दुनिया के फैसले आपके अंदर देगा। तो दुनिया को फतह करने के लिए इसको सारे पढ़िए, दुनिया को फतह करने के लिए एग्री करते हैं, और गालिब कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल की तारीफ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, अल्लाह के सिवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं कर सकता। इतनी बेबसी ऐसे ही, इतने बड़े रसूल आपको मिल गए, इतने
इतने बड़े दीन में अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, अल्लाह ने आपको मुसलमान से, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, अगर हम अपने कोर्टों से टैक्स लगा तो अल्लाह कहते हैं मैंने आपको मुसलमान बनाया, तो हम कहते नहीं जी हमें अल्लाह ने सेल्फी ये ठीक है। Achieving the excellence through emotional intelligence. किरदार किससे आता है जी? आया ना मजा? Emotional intelligence अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखे ना, अल्लाह मिल गया मेराज पे, और क्या चाहिए? और अल्लाह को हमारे लिए छोड़ के आ रही है सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में अगर कहते हैं कि कोई नेगेटिव वर्ड इंट्रोड्यूस होता है ना किसी की मोहब्बत में, तो वहां पे देखें कि अल्लाह ने अपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वर्ड हरीस का इस्तेमाल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शीश के लिए हरीस हैं, अल्लाह को हमारे लिए छोड़ के आए हैं। जब अल्लाह मिल गया तो फिर तो सारी चीज ही खत्म हो गई। आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की जुदाई में आए ना, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदा जिसने आना है, आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए हैं, इतना सारी दुनिया में के रोए, इतना रोना नहीं जितना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जुदाई में। तो अल्लाह बिन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमोशनल इंटेलिजेंस दे हमारे लिए छोड़ के। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि दूसरों को उठाना, दूसरों की चीजों को समझ। और किससे आती है? किरदार से। तो किसी ने मुझे कहा कि यार किरदार क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट है। किरदार ये है कि आपके किरदार से, आपकी जात से क्या निकले? अल्लाह की अजमत। आपको देख के लोग मुसलमान हो, आपको देख के कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मुझे देख के लोग अस्तगफिरुल्लाह। वो बच्चा जब दुनिया में आता है रोता है, हम कहते हैं पैदा हुआ खुश होते हैं, वही बच्चे जब दुनिया से जाए वो मुस्कुरा रहा हो और लोग उसके लिए रो रहे हो, ऐसी लगनी सी छोड़ दी। ठीक हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 डोमेन्स हैं, ठीक है ना? उसमें पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। खुद ही का तर्जुमा हो जब खुदा का राज, जिसने अपनी जात को पहचान लिया, जिसने अपनी स्ट्रेंथ को अपना, आपके अंदर सारी कायनातों का इल्म पड़े, आपने नॉलेज ले लिया, उस नॉलेज से आपको डिसिप्लिन आ गया, आपने प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट हासिल कर ली, फिर आपने अपनी प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट की, उसने आपके नॉलेज को अनलॉक कर दिया, ठीक है, और आपको डिसिप्लिन आपको बिल्कुल दिया। तो सेल्फ अवेयरनेस पहले है, फिर उसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन जो नमाज में आती है। देखिए स्पोर्ट्स का सबसे खूबसूरत चीज क्या है? किसी भी स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन है। और फुटबॉल की देखिए वो हाशिया लगा हुआ है, ठीक है, अब मैं गोल पोस्ट के पीछे से आके गोल पे बॉल मारेंगे, उसका उसकी खूबसूरती के विदित का बाउंड्री में लाइट है, ठीक है, अब मैं बाउंड्री के बाहर से कैच पकड़ूंगा आप मानोगे अपने ही छक्का हो, ठीक है, टच भी हो जाए बाउंड्री को अब कहते आप अपने ही छक्का है। तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए अल्लाह ने आपको सलाह दी इबादत, ठीक है। सोशल स्किल्स, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमने कैरेक्टर पढ़ा है, टॉक सॉफ्टली, थिंक प्रोफिटली, सोना ऐसे है, माँ बाप के साथ ऐसे होना है, ट्रेड ऑनेस्टली करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो सारी सोशल स्किल्स पे आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखिए, वो सब एम्पैथी, तो बेटा कैन थिंक ऑफ पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, दूसरे की जगह पे खुद को रखना, देखो क्या जो तार के ऊपर जो गुजरती ना, जो आप
वायलिन देखते हैं, जब ये वायलिन की जो मारता है ना ऐसे, वो वायलिन के ऊपर ही जब उसके अंदर वो सारा जख्म लगता है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, ठीक है? वो तो जब तक आप दूसरों का दुख दर्द नहीं सुनते, दूसरों की दुख नहीं फैलते ना, ऊपर से लगेंगे शूज के चमक है उसके अंदर जो कीमे हो दूसरे के पास पे, ये एम्पैथी आपको बहुत ऊपर उठाती है। इन सारी चीजों के साथ एक है मोटिवेशन, आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, कुछ वास ये उत्साह के रसूल मोटिवेट करते, ये अजाने आपको मोटिवेट करती है, अल्लाह हू अकबर अल्लाह के अल्लाह ही बड़ा है, अजान पूरी की पूरी एजुकेशन, और कितनी चीजें मोटिवेट कर रही है, और सारी डाउन भी होती है, कैप्टन उठता है नारा है तकबीर अल्लाह हू अकबर, आके नमाज में अल्लाह हू अकबर अल्लाह की कसम जो पढ़ा थे फिर अल्लाह हू अकबर या नीचे के फिर अल्लाह हू अकबर अल्लाह ठीक है, मोटिवेट कर रहे हो किसी ने ये रबे दे आप जो कहते मैंने वो पहले 100 रुपए की में कोई बात ही नहीं रही, पर तूने जगह जगह पे उन्होंने वो स्टेशन पे रुकना होता है तो एक बोलते हैं कि सीखना होता है, तो बस क्या कहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है, तो ये हमारी तो सीधी फ्लाइट है ये कि डायरेक्ट इस्लामाबाद से होती है लंदन उसमें पढ़ते हैं दुआ पढ़ते हैं सब के लिए दुआएं कर रहे होते हैं वालदैन के लिए भी सारी चीजें, फिर आप रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना पढ़ते हैं, ये सारे देखिए मोटिवेशंस हैं, ठीक है? लेकिन जिक्र आपको मोटिवेट कर रहा होता है, मैं बैठ के सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करूं तो यूनिवर्सल फार्मूला समझूं फिर काम करूं, मेरे उसके तस्बीह के दाने फेरने से ना, वो कहता है तस्बीह गिरी तो दिल ना गिरा की लेना तस्बीह पढ़ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਨ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠਵੇ ਬੁੱਢਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਬਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ। ਅਬ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 10 ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਹਮ ਸਮਝਾ, ਹਮ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗੰਦਾ ਸਮਝਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਸਾਫੀ ਜਿਸਸੇ ਵੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਾਫੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਹਮੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ और भी चीजें हैं उसके, तो मोटिवेशन कितनी चीजें, पांच उंगलियां पांच चीजें, ठीक है? अब ये होती क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू टेक एन ऑनेस्ट लुक, ऑनेस्ट लुक यानी दार में वो जो हमने कहा ना सच्चाई के साथ सोचना, ऑनेस्ट लुक एट योर लाइफ विदाउट अटैचमेंट टू इट बीइंग राइट और रॉन्ग, हर इंसान को अपनी कंट्रीब्यूटिव करनी चाहिए, अपना महासभा करनी चाहिए, तो बात करता है कि ये इस बात से किसी को दुख तो नहीं हुआ है, पहले सोचो पहले बोलो के हदीस है जिसने अपनी जात को पहचाना उसका फिर सेल्फ अवेयरनेस सब कुछ क्लियर है। अब सेल्फ अवेयरनेस को आप देखेंगे ये है क्या, इससे इंसान लीडर बनता है, क्योंकि लीडरशिप मॉड्यूल में आपको कहा था कि लीडरशिप मॉड्यूल क्या है, सूरह मोहम्मद, लीडरशिप का मॉड्यूल क्या है, अगर आपने लीडर बनना है तो आपको क्या करना है, सूरह मोहम्मद और उसके साथ एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, सूरह फतह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा लीडर। अब सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा जी, कैपेसिटी एंड बिल्ड योर रिलेशनशिप, ये अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ है कि आप माँ बाप को कैसे समझे, बच्चा पैदा उसको क्या पता है मेरे माँ बाप कैसे, उसके अंदर अल्लाह ने रखी है कैपेसिटी कि उसको पता है मेरे माँ बाप, ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो भी मेरे नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स, कैपेसिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप अल्लाह ने आपके अंदर रखी है, फर्म पे सब कुछ आपने अंदर रखा है,
अब जब आलमी अरवा में सारी हुए थी ना, ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये हम अरबों खरबों सालों के लिए एक एक शहर में सारे तो फिर जब सारी हुए थी ना, तो अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब? तो सब ने क्या कहा? रब्बी कालू बिला। ये सिर्फ दो डायलॉग नहीं है सूरह अराफ की आयत में, वो डायलॉग इसके अंदर बहुत बड़ी टाइमलाइन है। आपने कहा कि आपने अल्लाह से एग्रीमेंट किया, तो क्या एग्रीमेंट किया आपने कि मैं टीचर भी बनूंगी, ये सारे काम करूंगी, वो एग्रीमेंट आपने साइन किया, आज आपको एग्रीमेंट याद नहीं है, ऐसे ही है ना? बाद से कोई बड़ी चिल्ला के उन्होंने कि अल्लाह सॉरी वी आर नॉट डूइंग एनी एग्रीमेंट, उन्होंने अल्लाह से पे वो कौन सी हुए जो बच्चे दुनिया में आती वहाँ पे आपने सारा एग्रीमेंट किया, आपको याद नहीं है वो एग्रीमेंट किधर है आपका? कि जहाँ पे आपका विराब बनते हैं इसके पीछे अंदर दिमाग में जाए ना, तो वहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, उसके अंदर आपका वो एग्रीमेंट लॉक है। ये जिससे ये सेंटर देखेंगे ना, इसके जो सेंटर वाला उस तरह से है, उधर का जो पीनियल ग्लैंड निकाल के आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा उसके अगर आपका एग्रीमेंट खुला है, जो आलमे अरवा में आपने किया था, जिसका एग्रीमेंट अनलॉक हो जाता है, वो डिफरेंट डायमेंशंस में उड़ना शुरू कर देता है, वो चार इंटेलिजेंस यूज करने शुरू कर देता है। लेकिन अब आज तक आप किसी से गुजरते हैं अपने वाले पहले के कुछ वो आपको फ्लैश बैक आते हैं जो आलमे अरवा में आपने सर्च किया। वो एक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतनी हैवी चीजें जो है मैं इतने शॉर्ट टाइम में ना, जब हम लोग टाइम भी देखो तो ऐसे अच्छा आपके पास कुछ बेहतर रिलेशनशिप ठीक है, इसको हम लाख सकते हैं इसी वजह से रुकू एक है और सिर्फ दो क्यों है, ये तीन टाइम उसमें अनलॉक होगा, ये इधर भी फ्रिक्शन हो रही है, इधर हाथ पे बांधना, फिर इधर किया, ये सारी चीजें जमीन में रख गई पहला सजदा शुक्र क्या है अल्लाह आपने इस जमीन की पैदाइश से मुझे उगाया सुभान रब्बी अलआला अल्लाह यू आर द परफेक्ट आई नो दूसरा सजदा इस्तिगफार क्या है अल्लाह मेरी इस मिट्टी में मिट्टी होना आपने मुझे इधर से रेस कर ठीक है ना वो अनलॉक हो जाएगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे तो उसका टूल क्या है फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट फिर वो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट आपके नॉलेज को अनलॉक करेगा इस्तेमाल फिर आप फिर बुलाओ इंसान के अंदर आलसी आदत है जैसे जरा पहले पते रखते ना वो हवा चलती है वो शुक्र में झूमता है वो फिर इन मटेरियल चीजों से निकल जाता है उसको पता चल जाता है व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस वो तस्वीर का इलाज नहीं लग जाता वो इन चीजों में नहीं पड़ता कि वो करमा के दिखा दे वो के दिखा दे जिसके पास जो बड़ी हुई चीज होती है ना वो उसके पास वो
सोशल अवेयरनेस पता चले किसी भी मार्केट में सेल्फ अवेयरनेस होगी आप किसी भी जगह रहेंगे आप अपने आप को फिट करेंगे औरते जरूरी लड़कियां इस चीज को समझे देखिए आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी जब शादियां करके आप एक घर से दूसरी घर में जाएंगे आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं आपको बच्चे चल जाएंगे रिलेशनशिप की भी बहुत जबरदस्त चीज है लेकिन कैपेसिटी बिल्ड रिलेशनशिप किससे सबके लिए अच्छा देखिए वो क्या चीज कम्युनिकेशन तो हमने बता दिया कि टॉक कैसे करेंगे जब ये सारे का सारा आप करने के लिए चाहिए तो आप क्या बन जाएंगे लीडर अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो है ना ये 12 स्किल्स आ जाती हैं ठीक है पहली स्किल क्या है पर्सनल डेवलपमेंट आप पर्सनालिटी जैसे पहली चीज क्या है जी दूसरी आपको भी बारे में पता चल जाएगा खुदी का तर्जुमा हो जाए खुदा का आपको अपनी पहचान मिल जाती है जब इंसान को पहचान मिल जाती है तो फिर उसको क्या मिलता है जब आप कुरान पढ़ते हैं ना तो आप नजर से कुरान पढ़ते हैं तो वो आपको अल्फाज नजर आते हैं जब आप दिल से पढ़ते हैं तो वो आपको इल्म मिलता है और जब आप उसको रूह के साथ पढ़ते हैं तो फिर आपको आइडेंटिटी ठीक है टैलेंट आपको पता चलता है आप कितने टैलेंटेड हो किसी को मैं पूछता हूं इसको क्या ठीक है मैं के बाद में सारे अपने साथ रहना सीखिए आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है आप ह्यूमन आप क्या बनते हैं लोग कहते हैं फरिश्ते हो फरिश्तों से इंसान बनना फरिश्तों ने तो आपके सजदे किए ना सारी कायनात ने आपके सजदे किए तो फरिश्ते को बनने इंसान इंसान का मतलब क्या है आजाद वो क्यों आजाद है कि अल्लाह ने इसको समाज और बसारत के सिस्टम दिए कि वो सोच रखता है अपनी जिम्मेदारी को समझता है पूरे का पूरा कुरान का सब्जेक्ट ही क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझिए मैं बीमारी से समझाता हूँ ठीक है हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करते हैं हर वक्त की गति चलते चलिए ड्रामों में झूठी बातें सारी सुनते होते हैं मोबाइल नहीं पे बैठे होते हैं फैमिली के साथ रिलेशनशिप करना होता है जिनको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होती है जिनके साथ इंटरेक्शन चाहिए कुछ भी नहीं सब कुछ नहीं मैं एक दफा मुझे एक इसका रेफरेंस नहीं मिला कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान मक्की की तरह एक वेब के अंदर फंस जाएगा वो ये इस सारी दुनिया से कट के सारी दुनिया के साथ नहीं वो सब आर्टिफिशियल ठीक है ना आप बनाने का स्केल उठा रहे हैं अभी डिफरेंट फील ना भी दे रहा है स्केल उठा रहा है खाने आ रहे हैं बोले भी हो गए हैं खाने के लिए फूड कैच के जो खाने में जो अपनी मंजिल है उठा रहे हैं दूसरे लोगों को शायद तो कितनी बुरी बात है दूसरे के पास अभी खाना ना हो उसको हमें से वो कह रहे हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकिन जब बंदों को ना कैंसर की पेशेंट आजकल हर 10 बंदों में से 4 बंदों को कैंसर वो इसकी वजह ये है कि हम नेशनल से नेशनल की तरफ जाते हैं तो इंसान बीमार हो रात को 2 बजे सो गए रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं इसी तरह ज़्यादा यंगस्टर्स को हार्ट अटैक इसी वजह से होते हैं बॉडी के आगे मसल्स ने वेट उठाया होता सारे दिन उसको रिलैक्स नहीं करते तो फिर हार्ट को प्रेशर पड़ता है तो जो लोग मोस्टली हार्ट अटैक टाइम जो है वो फजर का टाइम है जो लोग तहज्जुद और फजर की नमाज सीख होते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता ठीक है ना क्योंकि उस वक्त ब्लाइंड किया ये कहा जाता है ना नजार फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिन नौम इसी वजह से कहा जाता है कि आप अच्छा होंगे मरो के लिए हार्ट अटैक से इस ब्रेन स्लो होती है ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है फजर के टाइम पे जब आप उठ जाते हैं तो वो अपनी स्पीड में चला जाता है हार्ट अटैक से बंदा बच जाता है तो ये अस्सलातु खैरुम मिन
क्वालिटी ऑफ लाइफ की कांसेप्ट की बात करें तो स्टेज 3 के जो लोग पेशेंट होते हैं 4 के होते हैं डॉक्टर्स अनफॉर्चूनेटली अपनी पैसों की वजह से उनकी सर्जरी कर देते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें कि मेडिसिन जो है दी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करने वाली चीज है अल्लाह ने हर इंसान को पानी से पैदा चीज को अल्लाह ने पानी से पैदा किया जिस चीज से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया अल्लाह ने उसके अंदर शिफा रखी है हर चीज पानी से पैदा हुई है जितनी भी चीजें आप देखते हैं मटेरियल जितना भी है वो सब कुछ पानी से जब आप पानी को देखते हैं पानी कॉन्शियस है आप पानी को जो कुछ कहते हैं तो वो उसी तरह से कहते हैं आप उसको कहते हैं टेबल बन जाओ टेबल बन जाता है कुर्सी कहते हैं कुर्सी बन जाओ बन जाता है अगर वो पानी को देखते हैं आप उसको कहते हैं अल्लाह के इज्जत से मेरे लिए शफा बन जाए जो लोग दम करके नहीं पानी देते आप खुद टेस्ट कर लें दो ग्लास ऑफ वाटर लें एक को ब्लेस करें उसके बिस्मिल्लाह पानी की पलटे उस ग्लास पानी को और दूसरे को आप ब्लेस कर दें ठीक है स्ट्रेटजीज ठीक है यूज स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर फॉर परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट ऑन परफॉर्मेंस फिर आप यूज रिजल्ट फ्रॉम प्रीवियस परफॉर्मेंस टू डाटा नेक्स्ट वन ये इसका एक लर्निंग मेथड लाइफ साइकिल ठीक है थोड़ी पर पॉज सोशल स्किल्स का आपको सारा पता है वही अभी से नहीं जो हमें बातें की स्किल्स आर दोस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग सेल्फ मैनेजमेंट एंड पीयर रिलेशनशिप एबिलिटी दैट अलाउ वन टू इनिशिएट बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स अदर्स वही सारी चीजें अलग के सोशल स्किल्स टॉक कैसे करनी सोचना कैसे ऐसे ऐसे चीजें करनी यूज जब आप एंगेज करेंगे डिस्कशन से आइडियाज दिखाएंगे ओपन माइंडनेस क्यूरिफिकेशन ऑफ पावर डिसिप्लिन पेशेंस प्रेयर स्टेप्स ये सारे सारा उसके अंदर आते सोशल स्किल्स क्योंकि उसमें आप सीखते हैं सोशल स्किल्स का दूसरों का दुख दर्द समझना सबसे बड़ी इबादत क्या है दूसरे का दर्द मोटिवेशन का सबको पता है द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड इंक्लूड वॉइस आप मोटिवेशन क्या करते हैं आप गोल सेट करते हैं आपका विजन होता है आप क्या करते हैं आप एडमायर करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं उसकी टीम वर्क फिर मेंटल परफॉर्मेंस देन सक्सेस आप देखिए आप सारी ये बात आईक्यू एंड ईक्यू आईक्यू जो है ना आपका वो आपको इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है ये आपको जिंदगी में 15% सक्सेस करवाता है और ईक्यू जो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपको 85% सक्सेस करवाता है आप देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग आप देख रहे हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब प्यार को देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी कितने तक के हैं दुनिया मंचे साथ को देखिए बिल गेट को देखिए स्टीव जॉब्स को देखिए जितने भी देखिए अंबिया सलातुल्लाह की लाइफ देखिए emotional intelligence की गुरुत्व की तो इस गुरुत्व में कैसे आप उपयोग करते हैं सिर्फ सलमान इस्लाम और दाऊद इस्लाम के बादशाह आए हैं ना बाकी उनके सलाम इस्लाम तो गुरुत्व अभी इस्लाम इस्लाम का शेवा है और उसमें मैंने आपको बताया कि इंसान उसमें सोचता है कि इसे आप उपयोग कैसे करते तो ये आईक्यू जो है वो आपको 15% सक्सेस करवाता है और ईक्यू कितना करवाता है एक किताब है वो इसमें लिखी है गुरु ने रिच डैड एंड पुअर डैड जितनी भी किताबें आप खोलेंगे तो उसमें जिस जो है ना वो 20-30 पेजेस के अंदर ये सारी बात समझ होती है बाकी सारी कहानी चलती है तो उसमें वो एक एडवाइस करते हैं कि नेवर रिलाय ऑन वन बिजनेस कभी एक बिजनेस पे रिलाय ना करें हमेशा उसके पे अहम होते हैं तो वो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है उसमें जो पीएचडी बंदा होता है ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता जो अनपढ़ होता है ना तो वो रिच बन जाता है उस क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को देखिए इंटेलेक्चुअल
एंडाउमेंट आपने देखनी है कि आईक्यू आपको डील्स विद द रीजन लॉजिक डेटाबेस। अब एक घर में आग लगी हुई है, अगर मैं घर में आग लगी हुई है ये नहीं देखूंगा टेम्परेचर कितना सारा कुछ है, मैं देखूंगा मेरे बंदे अंदर हैं, तो मैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस ही उसके अंदर चले जाऊंगा, ठीक है ना। आईक्यू में वो क्या मैं देखूं यार ये मैं जल जाऊंगा ये हो जाएगा, आप देखिए हमेशा पढ़े लिखे लोग मुझे चलान मार के कोई रिस्क नहीं कोई डरते मतलब मैंने कहा टायर जी मैं करके देता हूं, मैं स्टार्ट करके देता हूं गाड़ी, मैं धक्का लगा के एकदम जंप इन करते हैं। मैं जब एक इंटरव्यू ले रहा था इंटरव्यू से पहले बैठा हुआ था बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब की, तो एक बंदे को हमने सेस किया वो आया तो उसकी जरूरत की लिस्ट मैसेज एक खुला हुआ उसने कहा बड़ा सेंटीमेंट दिया तो मैंने कहा जी नेगेटिव मार्किंग में आया कि जी ये अनटाइडी करना है ये केयरलेस है इसने अपने ड्यूटी के लिए सिस्टम के लिए इमरजेंसी में ये बड़ा खतरनाक बंदा है कि नहीं इसको ये जॉब डिफेंस में मैं था तो मुझे उन्हें कहते इमोशनल इंटेलिजेंस में बताने के लिए देखो ये अगर अनटाइडी है जो भी कोई इमरजेंसी वाली सूरत होगी तो ये नहीं देगा कि मेरे लिए सिर्फ बंदे होंगे या नहीं बंदे उसे जम करेगा morality मॉरल वाइज वैल्यूज देखेंगे क्या मॉरल वर्क करेंगे क्या ग्राउंड्स ये क्या तमाशा है कि देखिए जितने भी बोर्ड हैं आपने फीमेल्स को ही वो सारा एडवर्टाइजमेंट की वो सारी चीजें लेनी है वो सारा मीडिया पे करना है वो चीज भी देखें कि फीमेल्स को प्रमोट करने के इसके लिए ग्लैमर मॉरलिटी नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है मेरा मोटिवेशन एम्पैथी कम्युनिकेशन स्किल्स ये नार्शी लर्न्ड एंड एक्वायर्ड ये आप लर्न करते हो और एक्वायर्ड करते हो किसी आप देखे ना घोड़ा पैदा होता है तो उसको कोई घास खाना पत्थर पे पांव रखना ये चीजें नहीं सिखाते वो सेट फ्रेम ऑफ माइंड में पैदा होता है और इंसान जो है वो हर जगह पे सीखता है तो इस क्लियर द आईक्यू एंड द ईक्यू आईक्यू कितनी परसेंट आपको सक्सेस देगा 80% और EQ तो हमने जितना भी बोला है तो इस फॉर्मूले को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज है सारे हैप्पी हैं कि जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की पांच चीजें की हैं तो फर्स्ट थिंग क्या है सेल्फ अवेयरनेस सेकंड थर्ड फोर्थ मोटिवेशन तो इमोशनल इंटेलिजेंस आज जितनी भी हमने की है तो सब को समझ आया। अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना ये उनकी 12 हैबिट्स हैं वो ये सारे चीजें उसी तरह से चलती हैं ठीक है ना तो हम एक पहले कर स्किप कर दो आप देखिए आईक्यू प्लस इक्वल टू दोनों को कंबाइन करके आप चलेंगे ना नॉलेज wisdom purification of heart purification of heart knowledge wisdom dono approaches ko academic or practical IQ kya hai academic EQ kya hai theek hai dono ko combine kiya agree samajh ke sare jo aaj humne sari exercise kiye thank you bahut mushkil kaam tha to bahut bahut shukriya ठीक है ना तो ये सारी कैसे होती है अचीव कैसे होती है सारी इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एडिंग न्यू डायमेंशन टू एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड विजनरी लीडरशिप ये जब सी सारी चीजें आप अपने अंदर लाएंगे ना तो फिर आप लीडर बनेंगे नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स डॉक्टर्स साइंटिस्ट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द लीडर्स लोग ऐसे कहते हैं कि लीडर हमारे पास अच्छी लीडर क्यों नहीं आती अच्छी
इमोशन सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल जब आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हासिल कर लेते हैं ना प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट से ही में अग्नि आपको मिल जाती है फिर आप इस सारी साइंटिफिक डायमेंशंस को आप इधर उधर कर लेते हैं क्योंकि कुरान किताबी तख्लीक है कुरान किताबी तख्लीक है ऐसा बताइए कुरान किताबी तख्लीक है और साइंस किताबी तहकीक है हमारे अंदर कितने केमिकल्स हैं 16 ये हमारे बॉडीज में आते हैं हर इमोशन का ड्यूरेशन कितना है आपको गुस्सा आएगा 12 मिनट होगा आप खफा होंगे 12 मिनट आप एंजॉय करेंगे 12 मिनट ठीक है ना उस हर इमोशन का ड्यूरेशन कितना है 12 मिनट गुस्सा एक जज्बा है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा होता है ना गुस्से में और गुस्सा क्या है दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना आप देखिए जो व्हेन पीपल एक्सप्रेस इमोशंस अब हमने सारे इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी सारा कुछ हुआ तो हमें ये भी तो समझना है कि जब लोग हमने सेल्फ अवेयरनेस भी सेल्फ रेगुलेशन की बात भी कर ली सोशल स्किल्स भी समझ लिया हमने एम्पैथी भी अंडरस्टैंड कर लिया हमें मोटिवेशन भी आ गई अब ये सारी चीजों का नॉलेज हमारे पास है अब हम इन लोगों को कैसे सेस करना है ठीक है ना तो आप ये देखें कि व्हेन पीपल एक्सप्रेस देयर इमोशंस जब लोग अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं 7% लोग जो हैं वो वर्बल एक्सप्रेशंस देते हैं वो कैसे देते हैं मैं अपनी स्लाइड में आपको 38% टोन ऑफ द ऑफ योर वॉइस जब वैसे भी छक्का लग तो सारी टोन करते हैं ये हो जाता वो कितने परसेंट होते और फेशियल एक्सप्रेशन जो है 55 ठीक है ना वो कितने तो इन सब को ऐड करें कितना बनेगा तो 7% हमेशा वर्बल होते हैं अब वो देखें कि वो वर्बल क्या है 7% में आप ये सुना गया कोई कहेगा जी आई लव यू कभी आप भी अल्लाह जी को कहा कि अल्लाह जी आई लव यू आपने नहीं बोलना मामा आप देखिए ये जो 85% है ना ये वो जिन पे आप अल्लाह ऐसे वासे निकालते हैं और ये जो चीज सही है ठीक है ये 55% Convenience क्या है? Emotion intelligence requires you to be aware of your emotions. बस इस लाइन को पढ़ो. ठीक है? When you can control your emotion, you will find out that you can achieve more than just being intellectually stable. ठीक है? So emotional intelligence is as much as important as IQ, and they're both needed to help you. Become better in career and in life. ठीक हो गई आप ये चीज़ है. Thank you. तो थक ही नहीं हो हाथ के लगे. वैसे हाथ ऐसे से रखें तो सिर स्टैंड करना है. गर्म है? ऐसे अगर आप अंदर एनर्जी हम भी देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मानते हैं उन्हीं की लीडरशिप क्वालिटी समझ में नहीं है ठीक है ना और लीडरशिप का मतलब क्या है लीडरशिप का मॉड्यूल अभी बताया सूरह सूरह मुहम्मद जी सूरह मुहम्मद अभी क्वालिटीज क्या होती है वो लीडर क्या करता है मोटिवेट करता है पीपल्स को ठीक है ना वो
ओपन टू रिकमेंडेशन होता है। आज अपनी ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, अपने लीडर्स को इसमें मैप करके देखिएगा, मोटिवेट पीपल्स, वो इधर उधर खड़े होकर व्यूज नहीं कर रहे होते लोग, क्या करते हैं लीडर, क्या करते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने ये सीखा है। ओपन टू रिकमेंडेशन, उसके पास सोशल स्किल्स होती है, उसको पता होता है किसके पास कैसे डील करना है, उसे पता होता है ये बंदा कौन सी खबरें सुना रहा है, क्या चीजें बोल रही है, ठीक है ना, वो लफाजी में नहीं किया। स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग पावर्स, स्विफ्ट डिसीजन लेते हैं, कायदे आजम क्या कहते थे, डिसीजन लो, अगर गलत डिसीजन ले लिया उस गलत को फिर सही करो, क्योंकि आपको सुबह पेंसिल की एक बताई थी ना बात, क्या बात है तेरी, नहीं एक बात उसकी गलती वाली जो बताई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल जो है इखलाक, अल्लाह को दो बातें बहुत पसंद है, एक उसने इखलाक और एक मेहमान नवाजी, ठीक हो गया। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सलाउद्दीन अयूबी ने जब पता कर लिया नहीं यरूशलम को, तो उन्होंने कहा कि आप मारो के हमारे औरतों और बच्चों को, इन लोगों को मारो के, तो सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था, वो एक फिल्म है किंगडम ऑफ हेवन, उसमें उन्होंने बताया, उस सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था कि आई एम मैन ऑफ द वर्ड्स, मैंने जो अपना बात कहती हम वो, तो मुसलमान अपनी बात पे कायम रहता है, man of principles, executing strategy जो है वो man of principle ही दे सकते हैं। अब आप देखें कि हमारे इधर वो क्यों कहते थे U-turn ले लेते हैं, U-turn ले लेते हैं, पता ही नहीं है ना कि man of principle होंगे तो फिर वो चीजें नहीं करेंगे। तो leadership qualities अगर आपने देखनी है अपने, देखें जो past हो गया past ना, forget the past, live in the present, आपने खुद लीडर बनना है, अपने बच्चों को लीडर बनाना है। देखिए सल्तनत उस्मानिया में